हाय दिया, नमस्ते, नमस्कार भैया, हम हैं आपकी चटोरी पार्टी। हाय चटोरी भाभी, हाँ हमने कहा बोल दिया। अब इसे शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए प्रोमो के साथ में, अकाई के भैया, जो हमारा मन अति सुंदर का भैया चल रहा है ना, कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। अकाई की ना दिव्यम है ना, लग चुका है बैंड बजाने में, वो भी अपनी ही पत्नी राधिका का। अकाई के भैया को जबरदस्ती बोल रहा है कि आपका पति कहाँ है, कहाँ है। अकाई के वो तो भैया खुद ही उसका पति है, और ऐसे में उसको अब राधिका को है ना नकली पति लाना पड़ेगा। अजय के बाद में ना भैया जो सीन ऐसा हो जाता है कि वो लोग है ना परदोस का है ना पूजा करते हैं। अब ऐसे में है दिव्यम भाई कहता है कि आपके पति अभी तक आए नहीं, अब आप आशीर्वाद किसका लेंगी, कैसे वो करेंगी। अजय के बाद में ना भैया बहुत उसमें कहानी होती है, जहाँ की दिव्यम भैया भगवान के पास जाता है, वो टोकरी उठाता है फलों का। अजय के बाद में उसके आँखों में ना रोशनी पड़ने की वजह से भैया वो छलांग लगा देता है, मतलब भैया उसका पैर फंस जाता है, और एक सेव है ना भैया हमारी राधिका के झोली में गिर जाती है, जो कि बाद में ना वो भैया पैर भी पड़ती है, और उसके बहाने वो फल भी उठा लेती है। अब ऐसे में भैया नकली पति की एंट्री हो जाती है दिव्यम के इतना पूछने पर, अकाई की भैया अगर नहीं होता ना तो वो का सर खा जाता। अब ऐसे में उसकी जो दिव्यम की अम्मा है ना, उन्होंने नकली पति का कर दिया है, कहे कि ऐसे पहले भी भैया जब उसका ऐसे याददाश्त गई थी तब उस समय उसका नकली पति आया था स्वामी, अब ये नाम भी बड़ा अजीब है। अब ये स्वामी आया है जिसके बाद में ना बहुत ज़्यादा राधिका पे है ना हक जताता है, जिसकी वजह से ये दिव्यम को ना पसंद नहीं आ रहा है। वो कमरे में भी भैया राधिका को है ना डांट रहा था, और जो कि दिव्यम सुन लेता है जाते हुए, और ऐसे में ना वो भैया स्वामी को बहुत ही ज़्यादा डांट डपेट लगाता है कि तुम ऐसे बात ना ही कर सकते। अजय के बाद में भैया सीन दिखाया जाता है कि दोनों सब लोग भैया साथ में बैठ के खाना ठूस रहे हैं, और ऐसे में ना दिव्यम पूछता है कि आप काम का करते हैं स्वामी से। अजय के बाद में ना उस भैया दिव्यम की अम्मा बताती है कि ये कंपाउंडर है। फिर दिव्यम कहता है कि भैया ये तो नौकर थे ना, तब भैया हमारी राधिका बोलते ना ये सरकारी नौकर थे। अब ऐसे में दिव्यम कहता है कि बड़ी अजीबो गरीबो मतलब भैया जोड़ी है, काहे कि भैया एक है डॉक्टर और एक है कंपाउंडर, कैसे बन गई। अजय के बाद में ना उनकी अम्मा बोलती हैं भैया ये स्वामी है ना वो वड़ा है, और ये हमारी जो राधिका है ना पाव है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं वड़ा पाव की तरह। अब ऐसे में भैया देखा जाए तो कहानी सीन से भी इतनी ही है। अब भैया थोड़ा सा और सीन में ये दिखाया गया है कि जो हमारी राधिका है ना, अब मतलब वो स्वामी मोटा आदमी भैया वो है ना पायल पहनाता है, जबरदस्ती को करता है, जिसके बाद में ना ये दिव्यम को अच्छा नहीं लगता है, और वो जाता है घूसा मारने के लिए। अभी कि घूसा मारते वक्त है ना उसको कुछ कुछ सीने ने है याद आने लगती है, जिसके बाद में भैया दिव्यम का दिमाग है ना चकराने लगता है। ऐसे में उसके परिवार वाले लोगों को संभालते हैं। कहानी बस इतनी है, प्रोमो में इतना ही बताया, ऐसा लग रहा है हमने पूरा एपिसोड ही आप लोगों को बता दिया है, पर ना ही, बहुत कुछ देखना बाकी एपिसोड में, वो आप जब जब देखेंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा। अब भैया ऐसे ही ना लेटेस्ट अपडेट के लिए ना हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आएंगे। बाय बाय।